स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच में। मैं रेणु चतुर्वेदी, आज हम बात करेंगे कि ज्योतिषीय प्रेडिक्शन गलत क्यों हो जाते हैं, हमारे फलित कभी कभी सही कभी गलत या कभी कभी बीच बीच के क्यों निकल जाते हैं, तो इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ज्योतिष में गलत होने की संभावना नगण्य होती है। गलतियाँ तब होती हैं जब हम उस कुंडली को इस तरीके से अध्ययन नहीं करते हैं और हम उसको जल्दबाजी में सिर्फ लग्न या सिर्फ चंद्र चार्ट देख के या दोनों को मिला के उसको पूरा तरह से प्रिडक्ट कर देते हैं। ऐसा गलत नहीं है, लग्न चार्ट में भी देख के सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन अगर कोई आपसे विशेष प्रश्न पूछने आया है या कोई विशेष सवाल लेके आया है तो आपको पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद ही इसका फलित करना चाहिए। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तब प्रिडक्शन सामान्यतः गलत हो जाते हैं। और फिर लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि जब हमने वहाँ पे गए, हमने सारी कुंडली सही बताई, उसके बावजूद अगर प्रोडक्शन गलत है, इसका मतलब ज्योतिष एक तरह से तुक्का है, एक तरह से भविष्य पर होने वाली घटनाओं के बारे में हमें उलझाने का तरीका है, ये पूरी तरह से किसी भी तरह से साइंस की तरह सिद्ध नहीं है और ये भ्रम जाल है। ऐसा नहीं है। जो किताबें हमारे ज्योतिष के बारे में उपलब्ध हैं वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक हैं, पूरी तरह से मैथ पे आधारित हैं और वो सारी ग्रहों में एक एक अंश और एक एक डिग्री तक में विभाजित की गई है कि कब कितने अंश पे कितनी डिग्री पे कोई चीज़ होती है तो उसका क्या परिणाम होता है। गलतियां वहां होती हैं जहां पे हम कुंडली को सिर्फ लग्न चंद्र देख के बताने लगते हैं, उसके अलावा हमें नवमास, निरड़ भाव चलित, सुदर्शन चक्र, होरा चक्र, यहाँ तक षोडश वर्ग का भी अध्ययन करना चाहिए। एक कुंडली को अध्ययन करने में 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन ज्योतिष की भी गलती नहीं है। ज्योतिष इतनी गहन अध्ययन करके जब वो प्रिडक्शन देता है, जब वो फलित करता है, तो सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि ज्योतिष मतलब उसके पास जाएं 100, 50, 150 जो उसकी फीस दे दें। हम उसको उस तरह से नहीं लेते हैं जिस तरह से ज्योतिष को या डॉक्टर को लेना चाहिए। डॉक्टर को जब हम देते हैं तो हम उसको जो भी उसकी फीस होती है हम देते हैं, भले ही वो हमें 2 मिनट देखता है, लेकिन ज्योतिष के विषय में ऐसा नहीं है। शायद ये कारण है कि ज्योतिषों ने इसको हल्के में लेना शुरू किया और सामने वाले को जो भी उसने फीस दी उस हिसाब से बता के छोड़ दिया। परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों सालों के बाद आज ज्योतिष को लोग धीरे 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 अंधविश्वास मानने लगे, जबकि पहले जब राजाओं का जमाना था हर राज्य में हर राजा एक ज्योतिष राज ज्योतिष जरूर रखता था और युद्ध के फैसले, मंत्री के फैसले और ये सारी चीज़ें जो भविष्य बड़ी बड़ी योजनाएँ होती थी वो सब ज्योतिष से पूछ के लेते थे। वो बेवकूफ़ नहीं होते थे, उन्हें भी पता होता था कि उसका परिणाम क्या होगा और वो अंधविश्वास में पड़ के ऐसा नहीं करते थे। उन्हें इसका वास्तव में मालूम होता था कि ये क्या इसका परिणाम होगा, लेकिन आज के दौर में ज्योतिष उस तरह से अध्ययन नहीं करते हैं, इतनी गंभीरता से ज्योतिष को नहीं लेते और लोग भी इतनी गंभीरता से ज्योतिषियों को नहीं लेते, तो इसलिए ज्योतिष भी थोड़े अपने काम के मामले में लापरवाह होते चले गए हैं। चलिए, वो उनकी अपनी समस्याएं हैं। हमने इस चैनल को इसलिए शुरू किया कि किसी भी को अगर इस तरह की कोई समस्या है कि वो ज्योतिष के किसी भी विषय में संदिग्ध है तो वो निसंकोच हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकता है और हमसे सलाह ले सकता है। इसके लिए नीचे लिंक्स भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसको भी क्लिक करके हमारे नंबर और हमारे चैनल के माध्यम से हमसे सारे सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको नई जानकारी देंगे। नमस्कार।